तो हेलो गाइस, वापस हम आ चुके हैं हाउस पेपर की एक न्यू वीडियो के साथ। बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज न्यू ईयर है एंड आई थिंक ये अगले दिन वीडियो अपलोड होगी वैसे तो, बट कोई नहीं, चलो। और हम आज बहुत महंगा सा घर खरीदने वाले हैं, ऑलमोस्ट 80-90K का तो खरीदेंगे। उसके बाद उसको रेनोवेट करके देखते हैं कितना सुंदर बना सकते हैं उसको, कितना मुनाफा कमा सकते हैं बेचने के बाद। तो चलते हैं वीडियो की तरफ सीधा। तो अपने पास अभी $1,14,000 हैं, बढ़िया है बहुत। अब तो हम अमीर हो चुके हैं वैसे। एंड कुछ पेट्स का भी आ चुका है ऑप्शंस, वो देखेंगे हम किसी और वीडियो पे। फिलहाल ब्राउज करके देखते हैं कौन सा घर खरीदना है मेरे को। और मैं सोच रहा था बाय द वे, मेरे को ये घर खरीदना है, रूम 404। ज़्यादा रूम्स है भी नहीं है, 5 रूम्स है, इसको जल्दी से करेंगे। और आई थिंक इसका जो मैं प्रॉफिट कमाऊँगा, एक लाख से ऊपर ही कमा लूँगा मेरे को लगता है वैसे तो। तो आई थिंक ये ईजी भी होगा, मैं ये खरीदता हूँ, बाय हाउस को। लेट्स सी, न्यू हाउस इज हॉन्टेड बट वी कैन लिफ्ट इट कर फॉर यू। हैं जी, डू यू वॉन्ट टू प्ले विद द स्पूकी स्टफ ब्रो? ऑब्वियसली भाई हम खेलेंगे, बट ये घर है भाई, ये तो खुद ही खुल गया। ये गेम इतना हॉरर क्यों हो रहा माँ क्या कि ये क्या सीन है? हेलो कौन है? अरे माई मी भाई, मैं डर गया था अभी। ओ माई गॉड, व्हाट क्लटर। फोन है, किसका फोन आ रहा है भाई? लाइट लाइट चलाओ भाई पहले तो। मे बी इट्स अ फ्यूज है, लाइट नहीं चल रही। अबे यार किसका फोन है भाई साहब? फोन है कहाँ पे भाई? खून के निशान नहीं, पैरों के निशान। ये CID को लग रहा है मेरे को। I'm always flipping houses. I'm always flipping houses. चुप कर बे कुत्ते, बंद करो भाई। मैं बेच रहा हूँ, जल्दी जल्दी काम करते हैं यार इस घर का। मैं गलत घर पे आ गया मेरे को लग रहा है भाई। हम ये भूत के लिए रेनोवेट कर रहे हैं? अगर हम भूत के लिए रेनोवेट कर रहे हैं, ये तो बहुत मानगिरी वाली बात है। ये तो किसने नहीं किया होगा आज तक। अच्छा ये भी बेच दूं। स्पीकर्स भूत नहीं सुनता होगा यार, मेरे को नहीं लगता, पढ़ता भी नहीं होगा वो। ये भी बेचो। ये क्या है, पियानो? बुक्स ही है, पियानो लग रहा था भाई। नहीं अच्छा, फिर भी ये तो बकवास है। सेव गेम भाई, ये तो मैंने पहली बार देखा। मैं इसको बेच क्यों नहीं पा रहा? टीवी भी बेचो भाई, टीवी बहुत बकवास, नहीं बेच सकते क्या? भाई जल्दी से मैं सामान यहाँ पानी की आवाज आ रही है ना। भाई खुद ओपन हो रहा है। कहाँ आ गया मैं? रुक यार, मेरे ना आंखों पे जोर पड़ रहा है, मैं एक बार ही गॉगल्स डाल लेता हूँ अपनी। तो पानी की आवाज आ रही है, बट आगे से आ रही है शायद से, यहाँ से। ये टैब भी नहीं बंद होगी देख लेना, मेरे को पता था। यप, ये क्या है? साफ करते हैं यार पहले तो घर को। ब्रो ये साफ ही नहीं हो रही चीजें आदि तो। उठाओ अभी। पिज्जा कौन खाया भाई? पिज्जा भी खाता है क्या भूत? मेरे को तो आज पता चला है यार, ये साफ क्यों नहीं हो रहा मेरे को समझ नहीं आ रहा। ना साफ हो रहा है ना सेल हो रहा है ये तो। ये घर कौन ही खरीदेगा मेरे को तो पहले ये बताओ। जा पूछ क्या। ओके तो गाइस, मैंने साफ सफाई तो कर दी है और जो सामान मेरे को बेचना था मैं बेच दिया हूँ, जितना बेच सकता था। बट ये मेरे को नहीं पता साफ क्यों नहीं हो रहा, ये पता नहीं क्या ही चल रहा है इस घर पे। एंड ये भी साफ नहीं हो रहा, बस मेरे को पेंट वगैरह करना है अभी। A few minutes later. ओके सो गाइस, मैं यहाँ पे ना पेंट कर रहा था बाहर, मैंने वाइट पेंट तो कर दिया। मेरे को यहाँ पे एक चीज नोटिस हुई, ये ओपन करके आई थिंक यहाँ से जो फ्यूज हो रखा है वो ठीक हो जाएगा, बाकी पता नहीं है, पहली बार ही कर रहा हूँ ऐसे तो। बस हो गया आई थिंक, अभी लाइट्स ओपन हो जानी चाहिए। वेट, हाँ अभी लाइट्स ओपन हो गई भाई फाइनली।
अभी अच्छा लग रहा है फाइनली। ये डर्ट अभी भी ठीक नहीं हुई, पता नहीं क्यों। तो गाइस अभी मैंने पूरा मतलब ऊपर वाली जो दीवार है उसको पूरा वाइट कर दिया, क्योंकि ये तो वाइट ही अच्छी लगेगी, लाइक हर एक रूम की वाइट कर दिया मैंने। तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसको हॉरर लुक देने के लिए या कुछ मतलब वैसा वाइब देने के लिए कुछ करते हैं लाइक वॉल्स में। तो देखते हैं कुछ वॉल पेपर वगैरह मिलता है तो और पे जाके वॉल्स ये रहा देखो कुछ इस तरह का कुछ ऐसा डरा। ये बढ़िया है काफ़ी ज़्यादा, कुछ ऐसा देखते हैं मिलता है तो बढ़िया सा। Many months later. ओके तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ अपने वापस से, अपने तो नहीं खैर हॉन्टेड हाउस में आ चुका हूँ मैं वापस। मैं फिर से जॉब्स करने गया था ताकि मेरा ये टूर ओपन हो जाए, और फाइनली हो गया। अब मैं टाइल्स लगा सकता हूँ, पहले मेरे पास ये है ही नहीं था भाई, और मैं टाइल्स खरीद लिया था। जल्दी जल्दी लगाते हैं एंड देन देखते हैं कैसा लुक आता है यहाँ पे। मुझे अपग्रेड भी मिल गया। ओके अब मैं 5 टाइल्स पकड़ सकता हूँ, बढ़िया भाई। अरे आवाज़ भी नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ है। ओके टाइल्स ही ख़त्म हो गई है, वाह वापिस खरीदते हैं। तो इस मेरे को ये एक टाइल्स ही मिली है फ्लोर के लिए, ये अच्छी लग रही है, आई थिंक इस घर के लिए सूट करेगा ये। ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है, पूरा यहाँ तक लगा देते हैं भाई। पैसा तो ज़्यादा, ओ भाई साहब तो ज़्यादा ही डार्क हो गया। अरे भाई फायदे भाई, आपने देखा भी होगा मेरे पैसे भी बढ़ गए थोड़े, पहले 30 थे अभी 55 कुछ हो गए थे, क्योंकि मैं काम कर क्या भाई। अभी मेरे पास ये हो चुका है, ये टूल जो टाइलिंग वगैरह के लिए था, थोड़ा सा और करना पड़ेगा भाई मेरे को। अरे देखने में तो मस्त है, बट इसके लिए ना मेरे को वो लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, लाइट ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अभी इतनी अच्छी लग नहीं रही है, चमक नहीं रहे ना दे अभी। तो इसको ऐसा करते हैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कुछ कैंडल टाइप लाइट्स लगाई जाए जो इस घर के साथ सूट करेगी। तो गाइस मैंने ये बाय किया है और पता नहीं यार ये क्यों डिस्टॉर्टेड हो जा रहा है। ओके तो मैं ये बाय करने का सोच रहा हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे तो। ऐसा ओके आई थिंक ये अच्छा लगेगा काफ़ी। यप इसको मैं बाय कर रहा हूँ ब्लैक कलर में। भाई वाइब तो है घर की भाई, ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ मैं तो अजीब सा ही बना रहा हूँ इस घर को भाई, मेरे को लग रहा है। तो बेच देते हैं एंड देखते हैं और कुछ। ओके हमें काउच लगाना था ना, सोफ़ा लगाना है हमको, सोफ़ा फर्नीचर में जाते हैं। एक मैं ये लगा रहा हूँ गाइस बड़ा सा, ये लो जी ये भी लग गया। एक टीवी के लिए हमें वो चाहिए स्टूल सा, आई थिंक ये अच्छा लगेगा। यप तो हटाओ बे, इसको मैं बेच क्यों नहीं पा रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसके अंदर कुछ भी तो नहीं है, बेच दिया इसके अंदर जो था मैं तो रखते हैं। एक सेकेंड हाँ ये टीवी भी सेट है अपना, पेंट को नहीं पेंट आएगा काम हमारे लिए। वेट तो एक कैंडल लग गई बे, अभी सब कुछ परफेक्ट हो गया, पानी भी बंद हो गया, ये ओ स्पिरिट चली गई यहाँ से, कुछ ऐसा ही हुआ मेरे को तो लग रहा है। अरे गाइस मैंने तो स्पिरिट ही भगा दी बे, क्या मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन सकता हूँ इस गेम में। कोप तो है, लग तो रहा है मेरे को। वेट यहाँ पे तो हमने टाइल्स लगाई नहीं, वेट टाइल्स टाइल्स कहाँ है। यहाँ पे भी बाथरूम में नहीं अच्छी लगेगी, रूम में भी मेरे हिसाब से ना कोई और लगानी चाहिए, मेरे को डार्क हो जाएगा काफी ज्यादा। ओके तो रूम में पहले तो ये बेचते हैं, ये बड़ी घटिया सी है, ये भी बहुत घटिया है, ये भी सब बेचो भाई। आई थिंक ये भी बेच देते हैं, ये फिर भी ठीक है।
ये भी बेचते हैं, कुछ अच्छा सा लगाते हैं भाई। पूरा वार्डरोब भी है ना, इधर भी ठीक करना पड़ेगा हमें चीजें। कुछ यहाँ पे भी स्पूकी सा वॉलपेपर लगाते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, वॉलपेपर्स कहाँ पे थी, वॉल कुछ ऐसा वॉलपेपर लगाते हैं यहाँ पे भी। यार मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक ये अच्छा लगेगा, और इसके साथ पर्पल कलर कर देंगे रूम को, डार्क पर्पल। ट्राई करते हैं इसको। अरे यहाँ पे यार ये टूटेगा नहीं क्या? टूट जाएगा वो, टूट जाता है ये। हाँ ये टूट गया ना, अच्छा लग रहा है अभी। पेंट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दिया ये, एंड फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। पेंट देखते हैं पहले तो मैं ये कलर कर रहा हूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा स्पूकी है ये, सही लगेगा मेरे हिसाब से तो। नीचे दिन हो गया, पहले रात थी शायद से जब मैं आया था। ओके तो रूम तो कलर हो चुके हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को। बस यहाँ पे थोड़ा सजावट का सामान लगाएंगे हम, एंड ये बेचते हैं, बकवास है। तो देखते हैं हम क्या लगा सकते हैं रूम। पहले तो एक लाइट बाय करते हैं, लाइट ही नहीं अपने पास रूम में। एक तो मैं ये बाय कर रहा हूँ ब्लैक मेटल करके, ऐसा। ओह नाइस, एक यहाँ पे लगा देते हैं। वो मैंने बाहर जो फालतू में लगाई थी उसको ले आता हूँ ना मैं यहाँ पे। यप ये फालतू वाली चीज़ है। अभी अच्छा लग रहा है रूम भी। अब यहाँ पे देखते हैं और कुछ लगा सकते हैं तो हम तो बेचते हैं। एक ये लगा दिया मैंने, एंड ये फ़ोन को उड़ाते हैं, यहाँ पे रखते हैं फिलहाल। चलो जी ये भी लगा दिया यहाँ पे, ये भी लग जा लग गया। ये भाई करते हैं भाई, कुछ थोड़ा सा ना हॉरर सा है ना ये कीड़ा भाई, ये लेते हैं ब्लैक कलर में बाय नाउ। जब यहाँ पे रखते हैं, एक और रख देते हैं यहाँ पे। मैंने एक ये भाई कर लिया भाई, आई थिंक एक इसका बड़ा वाला मेरे को साइज लेना चाहिए, लार्ज यार। हाँ ये अच्छा लगेगा। यहाँ पे लगाऊँ कहाँ पे लगाऊँ भाई, समझ नहीं आ रहा मेरे को खुद। फिलहाल के लिए इसको यहीं पे लगा देते हैं यार। नीचे कुछ होना चाहिए था बट क्या ही लगाऊँ नीचे। चलो इतना बहुत है फिलहाल के लिए, बाद में देख लेंगे अगर कुछ लगाना पड़ेगा मेरे को। और यहाँ पे भी कलर कर देते हैं इसको, तो वाइट ही मैं करूँगा। ओके तो यहाँ पे भी पेंट डन है अपना, एंड यहाँ पे भी कुछ लाइट लगा देते हैं ना, एक बढ़िया लगेगी। नहीं यहाँ पे कौन ही लाइट लगाता है भाई मेरे हिसाब से, तो छोड़ो ऐसा ही ठीक है फिलहाल के लिए। एंड नीचे अभी टाइल्स लगा देते हैं कुछ अच्छी सी। तो फ्लोर के लिए मैंने ये चूज़ किया है, बाकी पता नहीं अभी अच्छा लगेगा कि नहीं। बुरा तो नहीं लग रहा और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा, बट ठीक है मेरे हिसाब से तो। वेट अच्छा लग रहा है, ठीक है मतलब। ओके तो गाइज यहाँ पे भी मैंने कंप्लीट कर दिया ये सब, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ की टाइल्स बदली जाए, ये बहुत बकवास सी लग रही है। और ये भी क्या ही, आई थिंक ये भी पूरा मेरे को बेचना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है ये तो। पूरा किचन नया बनाना पड़ेगा। ओके यहाँ पे लग जाएगा ये। तो यहाँ पे भी मैंने मार्बल लगा दिया, अभी काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है पहले पहले कबाड़ा था बिल्कुल। आई थिंक ये भी बेचना पड़ेगा, ये भी घटिया सा है ये नीचे बहुत ज़्यादा, बेचते हैं। तो गाइस मैंने किचन भी तैयार कर लिया, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है अभी तो किचन। बस थोड़े से आई थिंक कुछ चीज़ें रखनी पड़ेंगी मुझे, जैसे कि कुछ ग्लास वगैरह रखना पड़ेगा, अभी खाली लग रहा है बिल्कुल ही। तो ये एक इसके साथ वाइब मैच करेगी इस घर के साथ, मैं ये बाय कर रहा हूँ एक एक इसका कप जो था वो भी बाय कर लेते हैं। ऐसा रखते हैं बिल्कुल, एक और यहाँ पे रख देते हैं इसके आगे। देखते हैं और कुछ मिलता है अच्छा सा रखने के लिए। हैंडल्स अगर वाइट हो जाते तो यप, तो ये मस्त। ये इसका काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार अभी तो। एंड देखते हैं मेरे पास, मैंने गैस नहीं लगाई, एक तो मेन चीज़ तो लगाई ही नहीं भाई, ठीक है।
ओके तो ये भी लग गया अपना भाई, अभी लग रहा है ना किचन मस्त बिल्कुल ही। इसको भेज देते हैं, अपने काम के नहीं है फिलहाल तो। नहीं आई थिंक काम आ सकते हैं ये, जब अभी बाथरूम वगैरह रहते तो काम आ जाएंगे शायद से। ये बहुत ही सेक्सी लग रहा है भाई ये घर, सच में मजाक नहीं में भाई। क्या घर था ये, भूतों वाला, और क्या ही लग रहा है भाई ये तो, इनसेन भाई। ओके तो अपना जल्दी जल्दी ये काम करते हैं, पहले तो बाथरूम का एंड देन निकलते हैं फिर यहाँ से। ये तो इधर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा है, इसको भी बेचते हैं पहले तो। बाथरूम भी पेंट हो चुका है वैसे तो, मेरे को लग रहा था कि मैं बाथरूम में कुछ ये चेंज करते हैं, ये तो घटिया सी लाइट है। इधर भी हम वही लगाएंगे, ये बेस्ट लाइट है भाई सच में, छोटी मोटी जगहों के लिए बेस्ट है। अपने घर पे हम इससे भी अच्छी लगाएंगे। हाँ ये बढ़िया लग रहा है अभी। बस यहाँ पे पेंट करना वापस। ओके पेंट नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे टाइल्स लगी हैं। ठीक है तो यहाँ पे टाइल्स देखते हैं कौन सी लगा सकते हैं हम। यार आई थिंक नीचे वाली लाइट, मेरे को नीचे वाली टाइल्स तो अच्छी लग रही हैं, और ये भी ठीक है, मतलब बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है ये टाइल। अब बाथरूम जैसा है मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत तो लग नहीं रही मेरे को सच बोलूँ तो। आई थिंक मैं नहीं चेंज करूँगा इसको, जैसा है वैसे ही ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ रहता है तो नहीं, यहाँ पे मैं सोचा था कुछ रख देता हूँ, तो देख लेते हैं अगर कुछ मिलता है तो फर्नीचर में। तो मैं ये बाई कर रहा हूँ, बेडरूम बहुत खाली लग रहा था यहाँ से तो। यहाँ पे ये लग गया, और यहाँ पे हम शायद से एक पेंटिंग लगा सकते हैं। यार मुझे एक क्लॉक मिली है, ये अच्छी लगेगी इस घर पे, थोड़ी ओल्डिश है ना ये, काफ़ी बढ़िया लगेगा। मैं बाहर लगा सकता हूँ इसको, ये वाली वॉल खाली थी वैसे भी। भाई साहब मस्त लग रहा है, तो मैं कुछ ऐसी सेटिंग रखा रूम की अभी। ये अच्छा लग रहा है, तो फाइनल करते हैं, रेनोवेशन तो काफ़ी हद तक हो गई, इसको बेचते हैं अभी। यहाँ पे भी कुछ रख देते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल, खाली कॉर्नर अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे अच्छा लगेगा, ये दीवार भी खाली थी पहले, कुछ रखने के लिए नहीं है। ओ भाई साहब ये अच्छा है, इसको बाय करें क्या। हाँ ये यहाँ पे रख सकते हैं। ओ भाई बढ़िया, एक और चीज़ बाय कर लेते हैं कोई अच्छी सी, ये ले लेते हैं ना। ओके तो गाइज आई थिंक अभी ये पूरा घर डन हो चुका है, एक कारपेट भी रख देते हैं यार। अभी दिमाग में चीज़ें आ रही है, मैं प्रोफेशनल हो रहा हूँ ना अभी। कारपेट कोई अच्छा सा कारपेट दिखा दो भाई, हेलोवीन नहीं अभी चाहिए नोर, ये अच्छा है ऐसा चाहिए मेरे को एक वाइट कलर में। हाँ ठीक है ये परफेक्ट है, तो फाइन यार ये अच्छा नहीं लग रहा बट ये हो गया सेल, अभी हो गया। तो गाइज अब मैं इस घर को बेचने वाला हूँ, मेरे को लग रहा है कि डन है अभी ये घर, जितना करना था मैं कर चुका। तो ये एंटर करते हैं एंड पुट ऑन ऑक्शन। इतना कम प्रॉफिट क्यों हो रहा है भाई, मैंने इतना पैसा लगाया यार इस घर पे। यू विल बी फाइंड भाई, नहीं 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 कैंसिल करो, मैं बेच रहा हूँ इस बंदे को। ठीक है यार कोई नहीं, इतना भी बहुत है अपने लिए, एक्सेप्ट करते हैं इसको। तो मैं बेच दिया भाई ये घर, तो काफ़ी पैसा हो गया। हमने एक हॉन्टेड हाउस को भी भूत प्रेतों से भी छुटकारा दे दिया, और हमने रेनोवेट भी कर दिया भाई, फिर भी तो कम पैसे दिए भाई, इतना कुछ कर दिया मैंने। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही यार, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट्स में भी बता दिया करो भाई कैसा मैं रेनोवेट कर रहा हूँ, मेरे को अभी ज़्यादा समझ आ नहीं रहा, तो आप मेरे को कुछ सुजेशन दे सकते हो कि मैं कैसी टाइल्स यूज़ करूँ या कुछ क्या इक्विपमेंट्स मैं अपने घर पर लगाऊँ, तो प्लीज़ बताना कमेंट्स में भी। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।